हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्सन L805 की इंक के बारे में। कई कमेंट मेरे पास आए हुए थे कि यार आप 805 में कौन सी इंक यूज़ कर रहे हो। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि मैं कौन सी इंक इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आपको उस इंक की फ़ोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा और आपको बता दूँगा कि कौन सी इंक मैं इसमें डाल रहा हूँ। अभी हमने सेकेंड हैंड परचेज़ किया था प्रिंटर, जो कि मेरे को 2500 रुपये का प्रिंटर और 1000 रुपये की इसकी इंक पड़ी थी और 3500 में अपन को ये कंप्लीट पड़ा था। तो इसको यूज़ करना तो यार देखो कंटिन्यू यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज जयपुर के अंदर 47 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक बार इसको प्रिंट निकालेंगे, अभी मेरे पास काम आया नहीं है कोई, तो अपन अपनी तरफ से ही एक दो प्रिंट, एक प्रिंटर उसमें, एक प्रिंट इसके अंदर, दोनों प्रिंटरों में एक एक प्रिंट कंप्लीट देंगे ताकि इसकी इंक जो है वो पाइपों में सूखे नहीं। तो फटाफट से मैं आपको इंक भी बता देता हूँ इसकी और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बता देता हूँ इस इंक की, जो कि अपन ने प्रिज्मा जेट की ली है। तो देखिए ये अपनी 6 इंक है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो ये कुछ इस तरीके की है, इसका बॉक्स मेरे से कहीं खो गया है। तो अभी देखिए मैंने इसमें कुछ कुछ इंक डाली है, तो अभी देखिए इसमें मैंने सारी इंक डाल दी थी। तो आप इसके लेवल देख सकते हो, जो जो मेरे को लगा कि मेरे यार ये बची हुई रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी बचा ली इसके अंदर। अब जैसे कि येलो जो है, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, येलो जो है वो ये वाली है, ये ऑलरेडी फुल है, बाकी पूरी इंक अपनी फुल ही फुल है। और ये स्प्लैश जेट की है, और ये स्प्लैश जेट की इंक है, अच्छी क्वालिटी की इंक है। अभी मैंने इससे प्रिंट आउट भी निकाल के देखे थे, जो कि इस क्वालिटी में निकले हैं प्रिंट आउट, ये देख सकते हैं आप। जो क्वालिटी है वो लैब क्वालिटी निकली है एकदम। ये 6 इंक है टोटल, ब्लैक, लाइट मजेंटा, मैजेंटा, सियान, लाइट सियान और येलो। तो ये टोटल मेरे को जो कॉस्ट पड़ी है वो 1050 रुपीज़ की मेरे को पूरी टोटल कॉस्ट करी है इन्होंने, और अच्छा रिज़ल्ट है। ऐसा नहीं है कि लोकल इंक है तो अपना रिज़ल्ट जो है वो पिक्चर क्वालिटी पे असर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि कई इंक जैसे कि आती है 400 रुपये में मिल जाएगी, 500 रुपये में मिल जाएगी आपको, ये इंक थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी 6 इंक आपको, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो देखिए इसकी पैकिंग वगैरह भी कितनी शानदार है, इस तरीके की पैकिंग है उसके अंदर, फिर ये अच्छे से पैक होके आता है पन्नी में। और ये कुछ इस तरीके से अपन को यहाँ से जो है कैंची वगैरह की मदद से काटना पड़ेगा ऊपर से, तब जाके ये इंक अपन इस तरीके से डाल लेंगे। ये जो एप्सन L805 यूज़ करते हैं वो तो उनको पता ही होगा, ये इस तरीके से यहाँ से टेढ़ा करके इस तरीके से इंक डाल लेते हैं, इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी है, आप अगर L805 यूज़ करते हैं और आपको इंक की अभी रिक्वायरमेंट है तो आप फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं इस इंक को। ये 1350 रुपये की ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन मार्केट से आप लेंगे तो 1050 की मेरे को पड़ी है। आप इससे भी आपके सिटी में थोड़ी और सस्ती मिल जाए तो वो आप देख सकते हैं, बाकी फ्लिपकार्ट पे तो 1350 रुपये की ये इंक है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी देखो वीडियो में कूलर वगैरह मैंने कुछ चालू नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर कूलर चालू करता हूँ तो आवाज़ रुकती है, तो इस वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि अगर आप ओरिजिनल इंक डालते हैं तो वो तो बेस्ट है। देखो ओरिजिनल 3600 से 3700 रुपये की इसकी 6 इंक है, लेकिन ये लोकल में अपना बढ़िया काम हो रहा है और कलर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकारी कलर आ रहे हैं, परफेक्ट कलर आ रहे हैं, मेरे को तो सही लगे। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में भी दिखाया था, ये देखिए आप क्वालिटी, ये 270 GSM का पेपर है प्रिज्मा जेट का, इसके ऊपर ये क्वालिटी निकली है, तो अच्छी क्वालिटी निकाली है इंक ने तो, और मेरे को इंक से तो कोई शिकायत नहीं है ओरिजिनल इंक के। बाकी जो अपना L130 है उससे भी अभी प्रिंट आउट निकालूंगा और एक प्रिंट आउट इससे भी निकालूंगा, ताकि दोनों प्रिंटर जो है वो रनिंग में रहे, इंक अभी सूखे नहीं, क्योंकि आज जयपुर में जो है टेम्परेचर 47 डिग्री था और मैं नहीं चाहता कि पाइपों में इंक सूखे। तो फटाफट से अपन इसमें एक एक प्रिंट निकालते हैं, उसका तो जो है वो नॉर्मल प्रिंट आउट ही निकालूंगा मैं, इस पर जो है फ़ोटो पेपर पर निकालूंगा मैं, तो एक बार फ़ोटो पेपर पर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैंने सेट कर ली है, जो कि अपने डिस्प्ले पे है। अब अपन इसको 270 GSM के पेपर पे निकाल के आपको दिखाएंगे। तो प्रिंटर मेरा ऑन हो चुका है, अभी मैं आपको बस प्रिंट करके इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ फटाफट से। तो पेपर अपना जो है वो 270 GSM ही अपन इस पर लगाएंगे, प्रिंट करेंगे।
तो यहाँ से मैं पेपर ले लेता हूँ, ये मेरे पास पेपर है 270 GSM का। मैं फटाफट से इसको प्रिंटर में सेट करता हूँ, उसके बाद में प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। तो ये अपन ने कंट्रोल पी कर दिया, यहाँ पे प्रिंटर अपना सेलेक्टेड 805 पेज सेटअप पे गए, यहाँ पे अपन ने किया है इसको 4x6 क्वालिटी जो रखी की अपनी हाई, और यहाँ पे फोटो पेपर ग्लोसी ओके कर देंगे। सेंटर पे से 0 या फिर इसको फिट टू स्केल कर देंगे अपन यहाँ से, प्रिंट और फिर प्रिंट। अब ये अपना जो पेपर है ले रहा है प्रिंटर, यहाँ पे अपन ने पेपर लगा दिया है अपना 270 GSM का। ये पेपर अपना ले लिया है प्रिंटर ने। ये प्रिंट हो रही है अपनी फ़ोटो, और देखिए कितनी फास्ट इसमें प्रिंट निकल रही है। तो यहाँ पे अपना जो प्रिंट आउट है वो निकल रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने 270 GSM पे प्रिंट आउट निकाला है, तो प्रिंट आउट मैंने 270 GSM पे निकाला है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये 270 GSM का पेपर है और अपन ने ये प्रिंट आउट निकाला है इस प्रिंटर से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी अपन को मिली है पेपर की। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन क्वालिटी अपन को मिली है। और ये वाली इंक है जो अपन ने यूज़ करी थी प्रिंटर में, ये देखिए आप। एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, अगर आप हेड क्लीन कर रहे हैं तो इसमें एक पावर फ्लैशिंग का भी एक ऑप्शन आता है, वो कभी मत करिए, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा उसको कभी मत करिए अभी। और ये अपना प्रिंटर है एप्सन का L805, इसकी मैं PVC कार्ड ट्रे भी लेके आऊँगा, अभी मेरे पास PVC कार्ड ट्रे नहीं है, तो वो ला के मैं आपको चेक कराऊँगा इसमें PVC कार्ड कैसे प्रिंट करते हैं। ये अपना, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।